एमबीटेट 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमबीटेट यानी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फाइनल एग्जाम 5 अप्रैल 2020 को होना है। आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे अहम होता है लैंग्वेज के पेडागोजी। तो मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों को के लिए उर्दू के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए उर्दू पेडागोजी लेकर हाजिर हूं आपके अपने ही जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। 10 फरवरी से रोजाना डे बाय डे प्रतिदिन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और साथ में अहम अहम सवाल और नोट्स भी दिया जाएगा। तो चलिए उर्दू के कोर्सेज पे जो 30 नंबर के पूछे जाएंगे आपके एमपीटेट में, उस लैंग्वेज कोर्सेज में कुछ डिस्कशन करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं और आप 30 में 28 और 29 नंबर हासिल कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं कोर्सेज के क्या पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं एमपीटेट 30 नंबर के उर्दू जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले उस लैंग्वेज कोर्स फर्स्ट 1 और 2 के लिए हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो 15 नंबर के आपके पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स यानी टोटल जो आपको उर्दू में पूछा जाएगा वो 30 मार्क्स का होगा। इसमें से 15 मार्क्स जो है वो आपका उर्दू पेडागोजी होगा। और उर्दू पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा उसे हम समझते हैं। जामे सलाहियत पर मबनी सवालात, और जामे सलाहियत पर मबनी सवालात क्या क्या होंगे, तो 2 गैर दर्सी इक्तिबासात। गैर दर्सी का मतलब है आपके किताब से हटकर कुछ आपको लाइन दे दिया जाएगा जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वो 2 रहेगा। और 2 में से क्या क्या रहेगा, मालूमाती अदबी साइंसी। मालूमाती अदबी साइंसी यानी कुछ भी आपको ऐसे दिया जाएगा और उसमें से पढ़कर आपको छांटना होता है। तो ये आपके 15 नंबर के टोटल पूछे जाएंगे। जुबान की नशोनुमा और तदरीसी तरीका ये 15 नंबर में ही आएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, यानी साथियों जो आपका उर्दू का पेडागोजी है वो यही है, जुबान के नशोनुमा और तदरीसी तरीका, ये आपका पेडागोजी है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सीखना और याद रखना, जबान की तदरीस का उसूल, जबान में सुनने और बोलने की अहमियत, क्लासरूम में मुख्तलिफ तालीमी इस्तेदाद, ये आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका टोटल 15 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे, यानी ये उर्दू पेडागोजी होगा और इसकी बिल्कुल जीरो से हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। अब साथियों आपको जो ग्रामर से पूछा जाएगा यानी जो कवायद से आपको पूछा जाएगा, ये आपके 15 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के होंगे। इसमें आपको सबसे पहले अफसाना पूछा जाएगा, यानी जैसे अफसाना निगार कौन कौन से है, जैसे प्रेमचंद है, कृष्णचंद है, इसी तरह पूछा जाएगा। और नस्र निगार के बारे में पूछा जाएगा, जैसे सैयद अहमद खां है, इसी तरह और भी है, कहानी, मालूमाती मजामीन, और इसी तरह ड्रामा के बारे में जैसे कि अनारकली है ता और मकालमा, ये भी आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद असनाफे नज्म में से पूछा जाएगा और गीत, ये आपके ग्रामर में से है, ठीक है। उसके बाद कवायद में से जो पूछा जाएगा वो है इस्म, जमीर, फेल, सिफत, इस्म जिन्स, जुमले और मुहावरा, वाहिद जमा और मुजक्कर व मुअन्नस, और खुतूत और मजमून। ये साथियों कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये भी पढ़ना है, मकालमा, ड्रामा, मजामीन और नस्र, अफसाना, और उसके बाद ये सारे आपको यहां से लेकर यहां तक के ये आपको कवायद पढ़ने हैं। लेकिन यदि आप कमजोर है, वीक है, तो आपको लग रहा होगा बहुत सारा पढ़ना है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और हीरो बनाएंगे। और हर 20 दिन में आपका एक लाइव टेस्ट क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर होगा। तो आज ही आप हमसे जुड़िए और इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें और हमारे जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़े और यहां से मुकम्मल नोट्स हासिल करें और एमपीटेट में 30 में से 29 नंबर या 28 नंबर लाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़कर आप तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। हमें अच्छा एक्सपीरियंस है और हम जानते हैं कि कैसे तैयारी करके
आपको अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और आपको क्वालिफाई किया जा सकता है। तो साथियों आप आज ही इस नंबर पे कांटेक्ट करके या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है या ऊपर भी नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। 10 फरवरी से आपके क्लासेस चालू होंगे, आज ही आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। शुक्रिया।